शॉपिंग हो गई है. नाउ वी आर बैक टू द मॉल स्टाइल अप एंड वी आर चेकिंग आउट सम क्लोथ्स. डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू. हाय पिंकू. हाय डम डम. हाय मम्मी. सब हो गया है, ज्वेलरी की, कपड़ों की, सब हो गई है. अब डिनर टाइम था, काफी भूख लग रही थी, तो हम लोग टर्मिनल ड्राइव इन आए हैं, बस पास ही में सुचित्रा में. रियली अ वेरी बैड न्यूज दैट जो भी हम लोग पहले खाते थे लाइक छोला कुलचे एंड दाल राइस वगैरह जो भी था सब बंद हो गया है. ओनली पिज्जा एंड स्लाइडर्स इज अवेलेबल जो वी डोंट वांट टू ईट. वी रियली वी आर हंग्री सो वी आर ट्राइंग समथिंग अदर प्लेस और वी डायरेक्टली गोइंग टू होम. वैसे तो मेरे घर पर बिरयानी बन रहा है, एग बिरयानी. लेट्स टेस्ट दैट. बटर गार्लिक डोसा, सॉरी बटर गार्लिक डोसा, एक वेज मंचूरिया, दाल चावल, पापड़ और पनीर पकौड़ा. खाना कुछ खास नहीं था, बस ठीक ठाक एवरेज था. उतना कुछ एक्सपेक्टेशन आ के मत जाइएगा यहाँ पर. श्री कृष्णा ढाबा. बिरयानी थी, चिकन बिरयानी जिसमें बॉयल्ड एग थी मेरी फेवरेट. ये लड़के लोग स्पेशल आइटम जैसे कि बिरयानी कबाब काफ़ी अच्छा बना लेते हैं यार, कुछ भी कहो. टेस्ट वाज यम. ऑलरेडी पहले भी बिरयानी की रेसिपी मैंने डाली है चैनल पे, प्लीज़ देखिएगा. हाय गाइस, सो ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे लंच में मटन कीमा आलू करी बनाया जाए. तो मेरे पास कीमा था पाव किलो, तो उसी की तैयारी चल रही है. तो मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया. कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए और उसे छौंक के लिए आप राई जीरा का तड़का और 2-3 सूखी मिर्च जैसा आपको चाहिए. अगर आप चाहें तो बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं और तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं और करी लीव्स भी डाल सकते हैं. आप नहीं चाहेंगे तो ये तीनों चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शन. तो यहाँ पर मैं वो सब कुछ नहीं डाल रही क्योंकि अलीशा को भी थोड़ा बहुत खिलाने को ट्राई करती हूँ मैं. वो जो बड़े बड़े आलू के क्यूब्स होते हैं करी में वो खाती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर वो सब कुछ नहीं डाल रही, एकदम सिंपल बना रही हूँ. आप चाहे तड़का भी बना सकते हैं या फिर एडिशनल जो मैंने चीज़ें बताई वो डाल के भी आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं राई जीरा का छौंक लगा दिया है. आप सूखी मिर्च डाल दूँगी. मैं यहाँ पे एक ही डाल रही हूँ, आप 2-3 डाल सकते हैं और आप ग्रीन चिलीज भी यूज़ कर सकते हैं. और इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दीजिए. मैंने 2 मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा प्याज लिया, उसे बारीक चॉप कर दिया और इसे मैंने ऐड कर दिया. अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे. और साइड में आप उसे अच्छी तरीके से चलाते रहिए, इतना चलाए कि उसमें जो रॉ स्मेल है वो चली जाए. और इसमें आप 1-2 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप ऐड कर दीजिए. अगर आप बारीक कटे हुए अदरक लहसुन ऐड करें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप थोड़ा ही ऐड कीजिए, वरना आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा. तो यूजुअली नॉनवेज में मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, लाइक 1 कम्प्लीट स्पून डालती हूँ.
प्रिंसिपल्स अच्छी तरीके से चलाइए। पता है मैंने पहली बार किया जब कहा था, जब मैं स्कूल में मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी पार्वती, वो टिफ़िन दे के आई थी पालक कीमा, और उसकी इतनी टेस्टी थी वो टिफ़िन, आधे से ज़्यादा मैं ही खा गई। तो उसके बाद से मुझे पता चला कि कीमा के ये सारे वैराइटीज़ भी होते हैं, और मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर दीजिए, आप टमाटर भी आप ऐड कर सकते हैं। टमाटर आपको फाइनली चॉप करने की ज़रूरत है, आप नॉर्मली भी कट करके डाल सकते हैं, क्यों वैसे भी वो गल जाएगा। और उसे अच्छी तरीके से चलाइए। आप यही टाइम पे आप आपके जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला और नमक भी आप ऐड कर दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आलू और कीमा डालने के बाद भी आप ऐड कर सकते हैं। मगर अगर आप स्टेज पे ऐड कर देते हैं तो आपका प्याज और टमाटर जो अच्छी तरीके से पक जाता है। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अलीशा भी मेरे साथ में ही है, उसकी थोड़ी बहुत आपकी आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर मैंने वो सब ऐड कर दिया, और आप अब हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। आपको इतना चलाना है कि उसको उसमें जो ऑयल है ना वो थोड़ा सा छोड़ दे, आपको समझ में आ जाए कब वो पक गया है। आप उसको थोड़ी देर ढक के भी आप छोड़ दीजिए, 5 से 7 मिनट में वो पक जाएंगे। और गाइज प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करके देखें इस चैनल को, काफ़ी लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज आई एम रियली वर्किंग हार्ड फॉर दिस चैनल। एंड मेरा और एक भी चैनल है एकता झा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर फिल्मी रिव्यूज़ वगैरह जो भी अपडेट्स हैं वो देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सब ऐड कर दिया, मुझे थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी। और एल्स आप यहीं पे आप चाहे तो आलू और कीमा जब ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है, तो आप देख सकते हैं ऑयल छूट गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मसाले मिक्स हो गए। अब आलू लीजिए, 2 आलू बड़े बड़े साइज़ में कट कीजिए, क्योंकि आप कुकर में बनाए तो मैश नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े साइज़ में कट करके आप उसमें डाल दीजिए और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। और इसी स्टेज पर आप कीमा भी ऐड कर सकते हैं। कीमा यूजुअली हम गर्म पानी में या फिर साफ पानी में 2 से 3 बार धोते हैं, मगर आप नॉर्मल वाटर में थोड़ा हल्दी डाल के भी अगर आप धोएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं मर जाती है उसमें, और आपको पानी उबाल के धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 से 3 बार मैंने वॉश कर दिया और अब उसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गर्म मसाला कम लगा तो मैंने वो फिर से ऐड कर दिया है, और अब इसे अच्छी तरीके से चला के हम कुकर का जो ढक्कन है वो लगा देंगे, विजल आने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 4 से 5 विजल तो लगनी है, ये कुकर्स पे डिपेंड होते हैं, थोड़े नए कुल में पक जाते हैं, मगर मेरा कुकर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स पुराना है तो 4 से 5 विजल लगते हैं। तो आप देखेंगे जैसे विजल लगा के कुकर का ढक्कन हटाओगे ना, आप देखिए कितना अच्छा कलर आएगा। और आप चाहे तो कुकर के ढक्कन लगाने से पहले आप पानी ऐड कर सकते हैं ग्रेवी के लिए, या फिर जैसे पक जाएगा उसके बाद भी आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। So the recipe is ready. Do try it in your home and let me know how it was.